नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लैपटॉप को प्रिंटर से कनेक्ट करके किस तरह से प्रिंट आउट निकाला जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लैपटॉप को प्रिंटर से किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। अपने लैपटॉप को प्रिंटर से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ये दो केबल है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपको इन केबल की मदद से अपने प्रिंटर को लैपटॉप से किस तरह से कनेक्ट करना है। सबसे पहले दोस्तों, हम देख लेते हैं कि हमारे को प्रिंटर को पावर केबल से किस तरह से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे हाथ में यह पावर केबल है। इसका आपको देखिएगा, यहाँ पर आपको इस केबल को कनेक्ट करने का यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन मिल रहा है। तो हम यहाँ पर इस केबल को लगा देते हैं और यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास ये केबल का दूसरा सिरा है, इसे हम पावर बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे लगा देता हूँ और स्विच को ऑन कर देता हूँ। पावर केबल को दोस्तों हमने अपने प्रिंटर से कनेक्ट कर दी है। अब हमारे पास ये एक केबल और है, इसे हम देखते हैं कि हमारे को अपने लैपटॉप और प्रिंटर में किस तरह से लगानी है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको दोस्तों, यह वाला आप देखिएगा, यह वाला आपको सिरा है वो अपने प्रिंटर में लगाना है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही आप पावर केबल को कनेक्ट करेंगे तो इसके पास में ही, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा आपको अपने प्रिंटर में इस केबल को लगानी है। तो केबल को किस तरह से लगानी है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अपने प्रिंटर में केबल का एक सिरा लगा दिया है। अब दूसरे सिरे को हम अपने प्रिंटर के, यहाँ पर देखिएगा जो केबल का दूसरा सिरा है उसे हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर देंगे। आपको अपने लैपटॉप में जो USB पोर्ट दिख रहा है, इसके अंदर आपको जो केबल का दूसरा सिरा है उसे आपको लगा देना है। तो मैंने यहाँ पर देखिएगा अपने लैपटॉप में इसे कनेक्ट कर दिया है और दूसरा वाला सिरा है उसे अपने प्रिंटर में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब हम दोस्तों अपने प्रिंटर को स्टार्ट करते हैं। दोनों केबल को कनेक्ट करने के बाद दोस्तों, अब आपको अपने प्रिंटर का पावर के बटन को ऑन करना है। तो मैं यहाँ पर देखिएगा इस पावर वाले बटन को प्रेस करता हूँ। जैसे दोस्तों आप पावर वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आपका प्रिंटर ऑन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अब हमारे को प्रिंट आउट किस तरह से निकालना है। यहाँ पर दोस्तों आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा का KYC फॉर्म को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको एक नंबर पर BOB KYC फॉर्म यह PDF फाइल में फॉर्म देखने को मिल जाएगा। आपको इस PDF फाइल को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर देखिएगा इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों आप ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप जिस भी पेज का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं वो आपके सामने आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यह बैंक ऑफ बड़ौदा का KYC फॉर्म है, इसका हमारे को प्रिंट आउट निकालना है। तो मैंने यहाँ पर आप देख भी सकते हैं अपने प्रिंटर को ऑन कर लिया है और पेज को भी मैंने अपने प्रिंटर में लगा दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, अपनी फाइल के ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा प्रिंटर का आइकन दिख रहा है। आपको प्रिंट आउट निकालने के लिए इस प्रिंटर वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप प्रिंटर के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका प्रिंटर का नेम है, हमारा इप्सन का L3110 सीरीज का प्रिंटर है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास इप्सन का प्रिंटर है और इसका आप मॉडल नंबर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे प्रिंटर का नेम आ चुका है। अब आप इस पेज की कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देखिएगा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको दो कॉपी चाहिए तो आप दो सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे को इस फॉर्म की एक कॉपी चाहिए तो हमने एक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आप इस पेपर का लेआउट भी आप पोर्ट्रेट में चाहिए तो आप यहाँ पे पोर्ट्रेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रिंट आउट को लैंडस्केप में चाहिए तो आप यहाँ से लैंडस्केप को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा आप यहाँ पर देखिएगा हमारे पास पेज एक है तो हम यहाँ पे एक सेलेक्ट करेंगे।
हमारे पास एक ही है तो हम ऑल को रखेंगे, और एक से अधिक है तो आप पेज की संख्या भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो देखिएगा पेजेस के जस्ट नीचे ही आपको कलर का ऑप्शन मिल रहा है कि आप इस प्रिंटआउट को कलर में निकालना चाहते हैं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में निकालना चाहते हैं। तो देखिएगा कलर प्रिंटआउट निकालना चाहते हैं तो कलर को सेलेक्ट करिएगा, और अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट यानी ब्लैक एंड व्हाइट निकालना चाहते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट को सेलेक्ट करिएगा। और इसके बाद आपको नीचे प्रिंट का बटन दिख रहा है, आपको प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है, तो मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिएगा अपना प्रिंट आउट यहाँ से आने वाला है, तो देखिएगा हमारे सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का KYC फॉर्म प्रिंट होकर आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी आसानी से अपने लैपटॉप को प्रिंटर से कनेक्ट करने के बाद प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।